चेहरे को खूबसूरत बनाने का एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। मैंने खुद ने ट्राई किया और मुझे इसका इतना बेहतरीन रिजल्ट मिला तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ में इस वीडियो को शेयर कर दूं, ताकि आपको भी चेहरे से जुड़ी हुई जो भी परेशानी है वह आपकी परेशानी दूर हो सके। स्किन में आपके ग्लो आएगा, चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर होंगे और साथ ही साथ आपको मिलेगी गोरी निखरी हुई त्वचा। ये जादुई पैक में सारी नेचुरल चीजें इस्तेमाल होगी, किसी तरह का केमिकल या प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है। बीट रूट, जितना ज्यादा चुकंदर हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद है यह हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स का भंडार है बीट रूट। यह हमारे चेहरे पर ग्लो लाता है और साथ ही साथ आप इसका लिप बाम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिनके होंठ काले पड़ चुके हैं इस पेस्ट से उनके चेहरे का कालापन तो जाएगा ही, उनके होंठ भी गुलाबी होंगे। आपको चुकंदर को धोकर इस तरह से छील लेना है और फिर ग्रेटर की मदद से इसे कद्दूकस करें। इसके बाद इसका निचोड़ निकालें। आप देख रहे होंगे कैसे मैं हाथों से इसका निचोड़ निकाल रहा हूं। आपको इसका सारा रस निकाल लेना है। निकालते समय आप अखबार रख सकते हैं ताकि अगर यह गिरेगा भी तो आप साफ कर सकते हैं। बीटरूट का रस मैंने निकाल लिया है। इसके अलावा हमें लेना है नारियल तेल। नारियल तेल त्वचा पर मॉइस्चराइजर का काम करता है। एक खाली बाउल में हम इस फेस पैक को बनाएंगे जिसमें आपको पहले नारियल तेल डालना है। आप 10 बूंदे नारियल तेल की डाल दें या चम्मच से आप इतना नारियल तेल से मिलाएं, फिर बीटरूट का रस मिलाएं। यह आपको डालना है 3 चम्मच। जो रस आपका बच जाएगा उसे आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, अगली बारी के लिए बनाने में आसानी होगी और ज्यादा झंझट भी नहीं होगा। इसके बाद आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मिलानी है जो इस फेस पैक का असर हमारे चेहरे पर डबल कर देगी, और वह है राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा घर पर बनाएं। थोड़े से चावल लिए, उसे ग्राइंड कर लिया और चावल का आटा हमारा तैयार। इसके आपको 2 चम्मच मिलाने हैं और पेस्ट तैयार करने के लिए आपको इसमें मिलाना है दूध। दूध आप चाहे तो कच्चा डालें या उबला हुआ दूध भी डाल सकते हैं। बस आप ध्यान रखें कि जितना हमने चावल डाला उतना ही दूध मिलाना है, यानी कि 2 चम्मच यह दूध के डालें और यह पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। चम्मच लीजिए और हिलाना शुरू करें। तब तक हिलाते रहे जब तक यह पेस्ट आपका बन ना जाए, और तैयार होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। बढ़ती हुई उम्र को तो वैसे दोस्तों कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यह फेस पैक आपके चेहरे की झुर्रियों को कम करेगा, जिससे त्वचा ग्लोइंग साफ सुथरी तो होगी ही, साथ ही साथ चेहरा जवान बनेगा। तो चलिए मैं आपको इसका इस्तेमाल करना बताता हूं। किसी भी साधारण फेस पैक से दोस्तों यह उपाय 5 गुना फायदेमंद है, और इसे लगाने के लिए आपको पहले अपने चेहरे को हल्के गर्म पानी से धो लेना है। ऐसा करने से चेहरे की डर्ट मिट्टी निकल जाएगी, और फिर इस फेस पैक को अप्लाई करें। हाथों से या फिर चम्मच से इस उपाय को अपने चेहरे पर लगाएं और पूरे चेहरे को अपने अच्छे से कवर कर ले। देखिए मैं चम्मच से ही इसे लगा रहा हूं। आपको भी अपने पूरे चेहरे पर ऐसे ही लगा लेना है, इसे कवर कर लेना है। जहां पर भी आपके चेहरे पर दाग है, घब्बे हैं या फिर आपकी त्वचा की झुर्रियां लटक रही हैं, त्वचा में कालापन है, वहां पर आप इसे लगाएं और अपने पूरे चेहरे को कवर करके 20 से 25 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाकर रखें। लगाने के 20 मिनट के बाद इस पेस्ट को आपको पानी से धो लेना है। हफ्ते में इस उपाय को कम से कम 2 बार तो जरूर लगाएं, जिससे चेहरे के दाग धब्बे, झाइयां, लटकती हुई त्वचा टाइट हो गई और चेहरे का कालापन जाएगा। आज की जानकारी बस यही तक थी। पसंद आई तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।